अभी मैं बालीनीज स्विंग ट्राई करने वाली हूँ इन फ्रंट ऑफ द राइस. यस सडनली दे वुड लाइक टू मंकीज जस्ट जंप्ड ऑन मी. और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से यू कैन सी माउंट बतोर वाइल ड्राइविंग. अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैंने अपनी स्कूटर वापस कर दी एंड मैंने बुक करी कैब थ्रू एन ऐप कॉल्ड ग्रैब जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत चलता है. इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्विगी ऊबर ऑल रोल्ड अप इनटू वन. सो इट्स वेरी यूजफुल अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. सो उबुद यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स है एंड आई डिडंट वांट टू ड्राइव देयर. मैं वहाँ पे 2 नाइट के लिए रुक रही हूँ तो आई जस्ट बुक्ड अ ग्रैब कैब. We are headed to Ubud. Let's go. तो मैं पहुंच चुकी हूँ उबुद अपने होम स्टे पे एंड अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया है. चेक इन टाइम 2 बजे का है दोपहर में एंड अभी 11 बज रहे हैं. सो आई वोंट बी एबल टू चेक इन अंटिल देन. तो प्लान ये है कि आई विल जस्ट रेंट अ स्कूटी फ्रॉम हियर एंड एक्सप्लोर करने मैं अभी निकलूंगी. तो मेरा रूम रेडी हो चुका है एंड लेट मी शो यू. द रूम इज रियली ब्यूटिफुल. दिस इज लाइक द लिविंग एरिया आउटसाइड द रूम. ओके सो लेट्स गो इनसाइड. दिस इज द सुपर क्यूट बेडरूम. आई लव इट. बेड के सामने एक वुडन बेंच और टीवी भी है. बाथरूम थोड़ा छोटा है बट इट्स सुपर क्लीन एंड टाइडी. Now on to the best part of the room. ओफो ये खुल क्यों नहीं रहा. या खुल गया. बहुत ही सुंदर नज़ारा और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली. काफ़ी प्यारा सा रूम है एंड इट्स बेसिकली लाइक अ हाउस ऑफ 2 फ्लोर्स एंड हर फ्लोर पे लाइक मल्टीपल रूम्स हैं एंड द लोकल फैमिली लिव्स हियर एंड दे हैव rented out their space as homestay, which is pretty cool. And charo taraf sirf rice fields, rice terrace. It is really, really beautiful. Thoda sa remote hai, but very close to the Tegalalang rice fields. And yeah. तो मैं हो चुकी हूँ रेडी. मुझे रूम मिल गया था टाइम पे. सो आई जस्ट थॉट कि जाने से पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो ही लेती हूँ. तो चलते हैं और उबुद एक्सप्लोर करते हैं. तो मैं अभी उबुद मार्केट में आई हूँ और काफ़ी सारी शॉप्स लोकल शॉप्स फॉर लाइक बाइंग सुवेनियर्स या फिर बीच वेयर स्विम वेयर हैट्स एंड लाइक लोकल वुडन के काफ़ी सारे खाव मटेरियल्स. सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. और जो राइस टेरेस का व्यू है वो भी यहीं से है. उबुद उबुद क्या 2 nights I was in Canggu before. Oh, Canggu. Yeah, yeah. Very nice. Yeah. So, अभी मैं Balinese swing try करने वाली हूँ in front of the rice. Yes. Let's see how it is.
अभी मैं राइस टेरेस व्यू के सामने बैठी हूँ और मैंने ऑर्डर किया है सॉटे वेजीज. लेट्स हैव इट. सनसेट के लिए मैं आई हूँ चांपूहन रिज वॉक. सनसेट दिखेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि रास्ते में भी इतनी ज़ोर से बारिश हुई. लकीली मेरी स्कूटर के ट्रंक में पॉन्चो था तो मैंने वो यूज़ कर लिया. तो अभी मैं आई हूँ डिनर करने के लिए. जैसे डिनर का टाइम हुआ तो नहीं है, बट थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि सुबह से सिर्फ एक ही बार खाया है. एंड आई कम टू दिस प्लेस कॉल्ड एल्केमी. काफ़ी अच्छा कैफ़े है, बुटीक टाइप का, और प्रॉपर वेजिटेरियन खाना वगैरह सब मिलता है यहाँ पे. मैंने ज़ुकीनी पास्ता ऑर्डर किया है, सो देखते हैं कैसा आता है. बस डिनर करके आई विल हेड बैक टू माई होम स्टे. एंड आज का दिन जल्दी ख़त्म करेंगे बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सप्लोर करने जाना है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेकेंड डे इन उबुद. एंड आज मेरी नींद ही नहीं खुली एंड आई वोक अप विद अ नॉक ऑन माई डोर एट अराउंड 9 o'clock की ब्रेकफास्ट बाहर पड़ा है. तो मॉर्निंग ड्राइव तो रह गई, बट अभी 11 बज रहे हैं. मैं रेडी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. नॉर्मली अगर कोई ट्रिप पे ऐसा होता है जब यू नो वी गेट लेट या फिर कोई चीज़ मिस हो जाती है, आई ऑलवेज़ गेट एंग्री, पैनिक्ड, और लाइक यू नो शिट यार ये मिस हो गया, ये रह जाएगा, ये जगह बाकी रह जाएगी. बट सरप्राइजिंगली इस ट्रिप पे आई एम नॉट फीलिंग एनी ऑफ दैट एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो. काफ़ी मज़ा आ रहा है. सो 11 बज रहे हैं, मैं काफ़ी लेट निकली हूँ, बट उसका कोई गम नहीं है मुझे. तो चलते हैं और आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है. अभी मैं जा रही हूँ वाटरफॉल, एक मैंने ढूंढा गूगल पे, इट इज़ कॉल्ड टूकद सेम्पुंग वाटरफॉल. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. 20 kilometers दूर है मेरे होम स्टे से, सो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव. बट ये जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है, आई कांट इवन टेल यू. और इफ़ यू नो बाली में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, इनफैक्ट इन ऑल ऑफ इंडोनेशिया. और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से यू कैन लाइक सी माउंट बतूर वाइल्ड ड्राइविंग माउंट बतूर. एंड आज इतना ज़्यादा लकी दिन है, स्काई इज सो क्लियर, लाइक एक भी बादल नहीं है. एंड आई कैन सी माउंट बतूर राइट इन फ्रंट ऑफ मी. इट इज़ सो मैग्निफिसेंट. इट इज़ लाइक वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज. इसका लास्ट इरप्शन 2000 में हुआ था आई थिंक. एंड इट इज़
सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉज जस्ट सो ओवरवेलम की मतलब मुझसे रहा नहीं गया. आई जस्ट लाइक स्टॉप एंड पार्क माई स्कूटर ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड जस्ट यहाँ पे मैं बैठी हूँ और इस नज़ारे का मजा ले रही हूँ. Entry to the waterfall is 15,000 IDR and यहाँ पे भी hike down है. After the parking area आपको नीचे hike करके जाना पड़ेगा. I don't know how far it is. Hello. Let's see कितना दूर है. So अभी almost 1 बजने वाले हैं और एक local guide ने बोला कि नीचे काफ़ी भीड़ है. So let's see. तो ये जो वाटरफॉल है ये एक प्रॉपर केव के अंदर है. लाइक आई एम स्टैंडिंग इनसाइड अ केव. यू कैन लुक अबव मी और ऐसे क्रीक्स है ऊपर थोड़े थोड़े से जहाँ से सन रेज अंदर गिर रही है एंड इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. ये काफ़ी पतला क्रैक है इसके अंदर से जाना है मुझे. डोंट वेयर योर शूज एंड कम और मे बी इफ यू आर वेयरिंग शूज तो उसको हाथ में पकड़ के लाना बिकॉज यहाँ पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी है और यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है. ओह माय गॉड. It was definitely worth it, but I would suggest कि early morning आओ because दिन में मैं 1 बजे आई and इतनी ज़्यादा भीड़ थी. like literally there was a line to get to the waterfall. तो जितना जल्दी सुबह में आओगे you will be able to enjoy the waterfall better. So I met Selina from Germany. Hello. And we helped take pictures at the waterfall for each other and I think right now we are going to have something to eat because we are hungry. Yeah, she's also traveling solo and we just like started talking and we were waiting in the line together. So traveling solo but never alone. That's true. तो अब हम आ चुके हैं मंकी फॉरेस्ट जो उबुद में बहुत फेमस है एंड सेलिना आल्सो जॉइंड विद मी. वी डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड यस लेट्स सी. आई डोंट नो. आई थिंक दिस इज द एंट्री पॉइंट. या टिकटिंग इज हियर. लेट्स गो. तो काफ़ी लंबी ड्राइव थी यहाँ तक आने के लिए. लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर. बट द ड्राइव वॉज ब्यूटिफुल. बट जैसे ही उबुद एंटर किया ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिला हमें. बट फाइनली वी रीच्ड हियर एंड लेट्स गो गेट द टिकट. एज इफ वाटरफॉल वाली लाइन इनफ नहीं थी. यहाँ पे भी टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है. सो वेट करते हैं. Thank you. Excuse me. You hiding your bottle water? Put inside the bag. Just I'm going to grab it. Okay. So many monkeys. सब लोग खाना खाने में बिजी है. आई थिंक ये लोग मक्खी भूटा खा रहे हैं.
जैसे आते हो मंकी फॉरेस्ट में सो दे टेल यू टू कीप योर लाइक वाटर बॉटल्स एंड एवरीथिंग इनसाइड द बैग, बट मैंने अपना वाटर बॉटल जो है वो बैग के बाहर ही टांग के रखा था एंड सडनली दे वर लाइक टू मंकीज जस्ट जंप्ड ऑन मी टू गेट द वाटर बॉटल एंड लाइक ऐसे आई गॉट सो स्कैर्ड, बट लकीली मैंने ऐसे झटक दिया और मैं दूर चली गई. इट वॉज सो सो फनी एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, बट फाइनली आई गॉट लाइक वन शॉट विद लाइक हीलिंग द मंकी एंड they are scary, they will bite you, so don't go there unattended. don't touch them for sure, because Selena just sat there and I was taking her video and the monkey just jumped on her and like my hair was शाम के 6 बज रहे हैं और सनसेट हो रहा है पीछे, हो चुका है ऑलमोस्ट एंड वी केम टू दिस प्लेस फॉर लाइक इवनिंग स्नैक्स और जस्ट टू ईट समथिंग एंड लकीली हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हम ये पूरे राइस टेरेसेस के बीच में से वॉक करके जा रहे हैं एंड द प्लेस इज सो सो प्रिटी. अभी भी हमारा जो कैफे जाम जा रहे हैं विच इज़ लाइक मे बी 5 मिनट्स वॉक, हमने स्कूटी जो है वो थोड़ी दूरी पार्क कर दी एंड सॉ ब्यूटिफुल सनसेट फ्रॉम ओवर द राइस टेरेस. इट वॉज अमेजिंग. हाउ डिड यू लाइक इट सेलिना? या लाइक वी जस्ट चांस्ड अपॉन दिस प्लेस जस्ट बाय चांस कि गूगल मैप्स पे देख के हमने बस पिन पॉइंट किया कि ये कैफे पे चलते हैं बिकॉज वी वेंट टू जेस्ट कैफे एंड द सीट्स विद द व्यू आउटसाइड वॉज लाइक नॉट अवेलेबल, एवरीथिंग वॉज रिजर्व. सो वी लाइक कि सनसेट का व्यू तो देखना ही है हमें, तो हम वहाँ से निकल के रैंडमली ये कैफे पे जा रहे हैं. सो लेट्स गो. Good morning from day 3 in Ubud. After the amazing sunset and the dinner at Cafe Pomegranate, I dropped Selena to her homestay and मैं वापस आ गई अपने homestay पे and I called it a night. And आज मुझे करना है check out from my homestay in Ubud. But I still have time. अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं and check out 12 बजे करना है. So I am going to one waterfall which is like 20 minutes away. तो मैं वाटरफॉल पहुंच गई हूँ. पार्किंग था, पैसा तो नहीं मांगा किसी ने, तो मैंने पार्किंग में पार्क कर दिया. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. सो अंदर घुसने के लिए है टिकट वाटरफॉल के लिए एंड इट इज़ 20,000 IDR. सो मैंने टिकट ले लिया है. सो यहाँ पे भी वाटरफॉल के लिए हाइक डाउन है, बट यहाँ पे कुछ स्टेयर्स उतरते ही यू गेट लाइक द कंप्लीट व्यू ऑफ द वाटरफॉल एंड अभी कम लोग हैं, सो लेट मी जस्ट हेड डाउन बट लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. इट्स अमेजिंग. वॉटरफॉल इतना ज़्यादा फ्लो है, इट्स जस्ट सो ब्रेथ टेकिंग. द एंटायर लैंडस्केप एंड इट्स ह्यूज. और अगर आप थोड़ा जल्दी आओगे तो मे बी ये जगह आपको खाली मिलेगी. अभी आई थिंक 10 बजे हैं, बट फिर भी थोड़े कम लोग हैं कंपेरेटिवली जितने कल मुझे वो
टूकट वाटरफॉल में मिले थे उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा कम लोग हैं. प्लस ये बहुत बड़ा स्पेस है सो पीपल आर लाइक नॉट गैदर्ड एट वन स्पॉट और थोड़े बहुत स्प्रेड आउट एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस सो यू कैन स्टिल फाइंड योर ओन स्वीट स्पॉट एंड लाइक एन्जॉय. सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द वाटरफॉल राइट नाउ. चुकी हूँ और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश. तो सामान सारा पैक्ड है. नीचे जाते हैं सामान में रिसेप्शन पे रख के. आई स्टिल हैव 2 hours बिफोर कैचिंग माई फेरी टू नूसा लेम्बोंगन. लेट्स गो आउट एंड गो टू अ फ्यू मोर प्लेसेस, हैव सम लंच, देन कम बैक टू द होम स्टे टू पिक अप द लगेज एंड गो टू सनूर पोर्ट. सो लेट्स गो. सामान मैंने सारा यहाँ पे रखवा दिया है बट If I had taken the scooter that I had rented for like the last 2 days, तो मुझे एक दिन का पूरा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता जबकि सिर्फ मुझे एक या दो घंटे के लिए चाहिए. सो आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट एंड मैंने स्कूटर वापस कर दिया है. सो आई जस्ट पेड फॉर 2 days विच वॉज़ लाइक 80,000 IDR पर डे. एंड अभी मैंने ऑर्डर किया है गोजैक. सो गोजैक इज़ लाइक स्कूटर वर्जन ऑफ ऊबर. यू गेट कैब्स एज वेल एज लाइक स्कूटर्स. तो अगर आप सोलो राइड पे हो तो आप एक गोजैक स्कूटर ऑर्डर कर सकते हो एंड द पर्सन विल कम ऑन अ स्कूटर एंड लाइक गेट यू एंड ड्रॉप यू टू द प्लेस वेयर एवर यू वांट. सो दिस इज लाइक माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई जस्ट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. ओह हेलमेट. या ओह थैंक यू. ओके. एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था यार पर उसने मुझे सड़क पे उतार दिया. अब मुझे एंट्रेंस ही नहीं मिल रहा उबुद पैलेस का. लेट्स गो फाइंड इट. दे ऑल्सो ब्रिंग यू अ हेलमेट विच इज़ कूल. सो ऐसा नहीं है कि यू नो पिलियन राइडर है तो हेलमेट नहीं ला रहे हैं. एंड इट जस्ट कॉस्टेड लाइक 25,000 IDR विच इज़ नाइस. सो आर्किटेक्चर तो काफ़ी अच्छा है. बहुत ज़्यादा डिटेल टाइप्स स्कल्पचर्स और स्टैचूज लगे हुए हैं बट इट्स जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं जाने की वो बंद हैं और नो एंट्रेंस के बोर्ड्स लगे हुए हैं आधे मतलब मेजर गेट्स पे. बट एक कॉमन जैसा एरिया है जो ओपन रखा है टूरिस्ट के लिए एंड द एंट्री इज़ फ्री. कोई एंट्री चार्ज नहीं है तो सही है. बहुत
छोटा सा एरिया ओपन है सो या बट इट्स फ्री सो यू कैन जस्ट कम एंड चेक इट आउट एनी वेज. और भी अंदर जगहें हैं बट सबके बाहर नो एंट्रेंस का बोर्ड लगा है. बट लाइक लव द डिटेलिंग ऑन द गेट्स एंड आर्किटेक्चर, इट्स सो ब्यूटिफुल. उबूद पैलेस से सिर्फ 200 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक सरस्वती टेम्पल करके है. सो अभी मैं उस तरफ वॉक कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा वॉक है. फुल दोनों साइड स्ट्रीट शॉप्स है एंड इट्स अमेजिंग. तो इस टेंपल की एंट्री भी फ्री है बट आई थिंक इट लुक्स क्लोज्ड. सो एक बस सेंटर में एक ये लोटस गार्डन का एरिया है विच इज़ ओपन एंड द एंट्रेंस टू द टेंपल इज़ क्लोज. बट जो एंट्रेंस का गेट है वो इतना ज़्यादा सुंदर है. दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ लोटस गार्डन बट अभी जो पॉन्ड है वहाँ पे बिल्कुल भी लोटसेस नहीं है. सो मे बी इट्स नॉट द सीज़न और क्या प्रॉब्लम है पता नहीं. अगर जब लोटस होंगे यहाँ पे तो आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा. बट राइट नाउ आई थिंक आई एम डन लुकिंग एट दिस एंड और कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा. यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एंड लाइक हैव अ नाइस स्ट्रोल. सो आई थिंक मैं लंच स्किप कर रही हूँ बिकॉज टाइम बचा नहीं है. अभी 2:45 ऑलरेडी हो गए हैं एंड यहाँ से मुझे अपने होम स्टे जाने के लिए 20 मिनट्स लगेंगे और वहाँ से सनूर जाने के लिए 1.25 घंटा लगेगा. सो एंड 5 बजे की फेरी है. सो आई नीड टू रीच एटलीस्ट लाइक 30 मिनट्स बिफोर. सो बहुत कट टू कट हो जाएगा. सो अभी के लिए मैं लंच स्किप कर रही हूँ. वहाँ अगर जल्दी पहुँच गई तो फिर वहाँ जाके लंच करूँगी. सो अभी मैंने फिर से गोजेक ऑर्डर किया है एंड आई थिंक इट शुड बी ऑन द वे. लेट्स गो बैक एंड कलेक्ट द लगेज एंड या लेट्स गो. ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आगे की जर्नी देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट एंड टेल मी कि आपको सबसे अच्छा इसमें से क्या लगा.